आज से 20 साल पहले सनी देओल की एक फिल्म आई थी गदर, एक प्रेम कथा। और ये जो फिल्म थी ये ब्लॉकबस्टर रही थी बॉक्स ऑफिस पर। आपको बता दें कि इस फिल्म को इतना जबरदस्त रेस्पॉन्स मिला था कि अब 20 साल बाद फिल्म के जो मेकर हैं अनिल शर्मा, जो कि इसका सीक्वल लेकर आ रहे हैं, और एक वन लाइन आइडिया जो कि उन्होंने बता दिया है कि सीक्वल में क्या होने वाला है। हम आपको बताते हैं कि गदर फिल्म में सनी देओल के बेटे का रोल किया था उत्कर्ष शर्मा ने, जो कि अनिल शर्मा के ही बेटे हैं। और अब उनके बेटे 20 साल बाद बड़े हो चुके हैं। और आपको बता दें कि इस फिल्म में उनका नाम चरणजीत था, गदर फिल्म में। और अब गदर के सीक्वल के लिए तैयारी कर रहे हैं अनिल शर्मा। और अब उन्होंने एक वन लाइन आइडिया दिया है कि अब सनी देओल जो है वो पाकिस्तान जाएंगे अपने बेटे चरणजीत के पास। एक ऐसा आइडिया है जो कि अब पाकिस्तान जाएंगे और पाकिस्तान से अपने बेटे को वो लेकर आएंगे। और जैसा कि गदर फिल्म में आप सबने देखा था कि जब सनी देओल पाकिस्तान गए थे तो उन्होंने क्या तहलका मचा दिया था वहां पर, क्या तूफान मचा दिया था। और अब गदर 2 में तूफान मचाने को रेडी हैं सनी देओल। हम आपको बताते हैं कि अब एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट होने वाली है कभी भी कि गदर का सीक्वल जिसकी शूटिंग कभी भी शुरू हो सकती है। हालांकि सनी देओल अभी अपनी फिल्म अपने 2 की शूटिंग में बिजी हैं, और जैसे ही इस फिल्म की शूटिंग को कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद वो गदर के सीक्वल की शूटिंग को शुरू भी कर देंगे। सो एक ज़बरदस्त आइडिया है अनिल शर्मा के पास कि भाई अब गदर फिल्म में अब जाएंगे सनी पाजी पाकिस्तान और वहाँ अपने बेटे के पास जाएंगे। उसके बाद जो वहाँ पर तहलका मचने वाला है, जो तूफान मचाएंगे वहाँ जाके, वो तो अब सनी पाजी ही जाने। मतलब आप कितने एक्साइटेड हैं गदर के सीक्वल के लिए हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी अपडेट्स के लिए।